अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हाजिर हूँ जी एक और न्यू बाउंटी लेके आप लोगों के लिए, और ये काफ़ी अच्छी बाउंटी है, PESP क्वीन। और इन लोगों ने जो है वो 1 लाख का बजट रखा है, 1 लाख का पूरा इन्होंने बजट रखा है, और ये जस्ट 1 मंथ चलनी है, 4 वीक्स, और ये 6 सितंबर से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। और इस बॉन्टी का हम डीपली थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है जी। ये तमाम आप देख सकते हैं, इनके सोशल नेटवर्क यहाँ पर ये मौजूद हैं, आप यहाँ से मज़ीद इसको और डीपली देख सकते हैं। यहाँ पे वायलेट है जी, इन्होंने इनका अपना ही वायलेट है, क्योंकि इनकी अपनी ब्लॉकचेन है। तो वायलेट हमें किस तरह से क्रिएट करना है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। सबसे फर्स्ट जो है कि आपने वायलेट डाउनलोड करना है इनका, और वायलेट किस तरह से फिर उस पर वर्क करना है जी। यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट है, यहाँ से जो है आप ये इनका जो वायलेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये विंडार में इनकी फाइल मिलेगी आपको, और फिर उसको जो है आप ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में जी समटाइम थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोडिंग के बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इस तरह से पेज ओपन होगा। ये रिसीव पर जब आप आएंगे, ये रिक्वेस्ट पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। आपका जो एड्रेस है वो बन जाएगा, जी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह से आपका ये अकाउंट होगा, ये एड्रेस है आपका, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एड्रेस है ये। चाहे तो ये यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एड्रेस, या फिर यहाँ से ही आप डायरेक्ट पेस्ट कर कॉपी कर सकते हैं। और ये इमेज जो है वो सेव कर लीजिएगा, ठीक है। सेव इमेज यहाँ लिखा है, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक। और हर बार जो है वो रिक्वेस्ट पेमेंट पर आप क्लिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप इधर क्लिक करेंगे हर बार ही न्यू एड्रेस ये आपको ओपन करके देगा, तो इसलिए जी बार बार इधर क्लिक नहीं कीजिएगा, जस्ट वन टाइम कीजिएगा और यहाँ पर आपका एड्रेस जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। और ये फाइल है, फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पिकअप वायलेट, इधर आप जब क्लिक करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन देगा, मीन्स के फोल्डर आप जी किसी भी आप फोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि सिस्टम में कुछ इशू हो जाता है, तो फिर इससे ये होगा कि आप अपने इस वायलेट को लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप, और अगर आप क्लिक करना है ज़्यादा एड्रेस हो गए हैं तो आप सिलेक्ट करके ये रिमूव यहाँ लिखा है इस पर आप रिमूव कर सकते हैं, और अगर शो करना है तो ये यहाँ पर ये शो लिखा है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, एड्रेस शो हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम चलते हैं अब अपनी बाउंटी की तरफ। तो ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये कैंपिंग है आर्टिकल, या और फिर यूट्यूब वगैरह पर अगर आप वीडियो बना सकर अपलोड कर सकते हैं तो आप ये कैंपिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल जो होगा वो 300 वर्ड्स का होना चाहिए, और दो जो है इनकी इमेजेस लेनी है आपको, इनके ये नेटवर्क से सोशल जो नेटवर्क इन्होंने दिए हुए हैं पेजेस अपने वहां से, ठीक है। और ये इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।
और रजिस्ट्रेशन जो है वो जस्ट वन टाइम ही करनी है, एक ही बार करनी है, एक से दो बार नहीं करनी, वरना आप बैन हो जाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये इसकी शीट है जी, जी ये इसकी ये शीट है जी, ठीक है। ये यहाँ से जो है आप ये देख सकते हैं इसकी शीट भी, इधर आप क्लिक करेंगे तो ये शीट इसकी ओपन हो जाएगी जी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने ये BSC इधर वगैरह का एड्रेस यहाँ पर दे दिया है, तो आप यहाँ पर देखें ये इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है उस एड्रेस को। और जिसने जो इन्हीं की वेबसाइट का एड्रेस दिया है तो आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह की आप कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, जो एड्रेस का कहा गया है वही आप एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो बार बार नहीं की जा सकती, ठीक है। अब ये लोग पूरा वर्क ये लोग काम कर देंगे और फिर जो है इनको कोई फायदा नहीं होगा। जिसने जो इन्हीं की वेबसाइट का एड्रेस दिया है उनको ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है जी। और इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी आप सही दीजिएगा ताकि कोई इशू ना हो फिर। जी ये है ट्रांसलेशन, अगर आपने इस कैंपेन में भी पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स देते हैं जिसकी हमें ट्रांसलेट करनी होती है, और ये खुद ही मेंशन करते हैं कि कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने वर्ड और कुछ भी इन्होंने इस तरह से चीज़ मेंशन यहाँ नहीं की है, तो आप इनके जो टेलीग्राम ग्रुप होगा बाउंटी का वहाँ पर आप इसको डिस्कस करके कंफर्म कर सकते हैं। ये इन्होंने बाउंटी अपना ये टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर ये दिया है, आप यहाँ से ज्वाइन करके कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इनसे डिटेल। और गूगल जो है गूगल की हेल्प बिल्कुल नहीं लीजिएगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। ये ट्विटर कैंपिंग है जी, ठीक है। और यहाँ पे जो है फॉलोअर्स के ही हिसाब से आपको स्टिक्स दिए जाएंगे, जैसा कि हर बाउंटीज में ऐसा ही रूल्स होता है। तो इसमें जी 5 आपने रिट्वीट करनी है और 5 आपने अपनी ओरिजिनल पोस्ट बनानी है ये हैशटैग के साथ। आप ये देख सकते हैं ये हैशटैग यहाँ पर मौजूद है, ये तमाम जो है हैशटैग के साथ आपने पोस्ट बनानी है और शेयर भी करनी है, ठीक है। इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि पर डे कितनी करनी है, तो आप पर डे 2 कर दीजिएगा, 2 पोस्ट कर दीजिएगा और 2 रिट्वीट कर दीजिएगा एक दिन में, इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ डेज के हवाले से लिखा नहीं है कुछ भी। तो आप एक ही वीक में एक ही दिन नहीं कीजिएगा ये, फिर भी आप थोड़े से 2 से 3 दिन आप कर लीजिएगा वर्क, क्योंकि एक ही दिन अगर करें तो उसमें शायद ये एक्सेप्ट करें या ना करें, आप 3 डेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीकली रिपोर्ट आप ये देख सकते हैं, उसका शेड्यूल यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है सब, ठीक है। और ये फेसबुक कैंपिंग है जी, यहाँ पे भी फ्रेंड्स के हिसाब से आपको स्टिक्स दिए जाएंगे, जितने ज्यादा फ्रेंड्स होंगे उतने ही आपको स्टिक्स दिए जाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही है, 5 आपने शेयर करनी है और 5 आपने अपनी ओरिजिनल पोस्ट बनानी है हैशटैग के साथ। ठीक है जी। और ये सिग्नेचर कैंपिंग है, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, अगर आप फुल मेंबर हैं JR मेंबर हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सबके कोड मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जो है आपने वही जो हम हर बाउंटीज में देते हैं प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन, लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है
प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप ये देखें, इन्होंने एड्रेस बिल्कुल गलत दिया है, BEP 20 का इन्होंने एड्रेस दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने इन्होंने ईथर का एड्रेस दे दिया है, इन्होंने भी ऐसा ही एड्रेस दिया, ज्यादातर लोगों ने आप देख सकते हैं यही एड्रेस दिया है, जबकि इन लोगों ने क्लियर मेंशन की है बात कि इनकी अपनी ब्लॉकचेन का जो है वो एड्रेस देना है। ठीक है जी, तो आप ऐसी कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा वरना कोई फायदा नहीं होगा। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम या फिर बाय कमेंट्स पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।